हेलो स्टूडेंट्स आज हम सी का न्यू सैंपल पेपर कर रहे हैं जिसमें हम सेक्शन ए करेंगे विच टर्म ऑफ द ए पी टू माइनस वन माइनस फोर माइनस सेवन इज माइनस फोर्टी देखिए कौन सी टर्म है उसमें हमेशा उसको ए एन नाम देंगे ए एन बराबर है माइनस फोर्टी ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू माइनस फोर्टी अब हमारे पास इसमें देखेंगे तो ए कितना है टू डी निकालने का फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ए वन देखिए ए टू इसमें माइनस वन माइनस ए वन है टू दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री अब यहाँ पे पुट कर देंगे ए की वैल्यू टू प्लस में एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है माइनस थ्री इक्वल टू है माइनस फोर्टी ये है एन माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस थ्री माइनस फोर्टी प्लस का दो उधर जाके माइनस का दो इक्वल टू माइनस फोर्टी टू तो एन माइनस वन आ जाएगा माइनस फोर्टी टू डिवाइड में माइनस थ्री माइनस से माइनस कैंसिल थ्री से कटेगा फोर्टीन पे और एन की वैल्यू आ जाएगी फोर्टीन प्लस वन इक्वल टू फिफ्टीन तो आंसर आ जाएगा ए फिफ्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस सेवन गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द पॉइंट इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर देखिए मान लीजिए हमारा सेंटर है ओ ओ से ए की दूरी ये रेडियस हो गई वो हमें दे रखा है सात सेंटीमीटर और हमें दे रखा है गिवन डिस्टेंस फ्रॉम ए सेंटर ऑफ सर्कल टू द पॉइंट अब एक पॉइंट है जो कि बाहर है पी उसकी वैल्यू है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर और मुझे ए पी की वैल्यू बतानी है देखिए हमें पी ए की वैल्यू बतानी है लेंथ ऑफ टेंजेंट बताना है हम जानते हैं टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस होता है तो यहां से पी ए परपेंडिकुलर है ओ पे तो मैं लिखूंगी इन राइट ट्राइंगल पी ए ओ में नाइनटी के सामने का होता है हाइपोटेनस तो यहाँ से ओपी का स्क्र बराबर आएगा ओ ए का स्क्वेयर प्लस में पी ए का स्क्वेयर ओ पी हमारे पास है पच्चीस ओ ए हमारे पास है सात प्लस में पी ए का स्क्र छ सौ पच्चीस में से फोर्टी नाइन घटेंगे बराबर पी ए का स्क्वायर ये आएगा पंद्रह में सेन हो गए आ जाएगा सेवन ये फाइव वो होता है चौबीस का स्क्वायर तो हमारे पास पी ए की वैल्यू आ गई ट्वेंटी फोर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए हमें दे रखा है टू टेन थर्टी डिवाइड में वन प्लस टेन स्क्यर थर्टी किसके इक्वल है देखिए हमें दे रखा 2, 10, 30, 10, है टू टेन थर्टी डिवाइड बाय वन प्लस टेन स्क्यर थर्टी अब देखिए टू मल्टीप्लाय टेन थर्टी की वैल्यू होती है वन बाई रूट थ्री वन प्लस टैन थर्टी के होते हैं वन बाई रूट थ्री उसका स्क्वायर यह आ गया टू बाई रूट थ्री वन प्लस वन का स्क्वायर वन रूट थ्री का स्क्वायर थ्री यह आ जाएगा टू बाई रूट थ्री एक में एक बटे तीन जोड़ेंगे तो चार बटे तीन टू बाई रूट थ्री थ्री ऊपर चार नीचे ये जाएगा दो पे तो थ्री होता है रूट थ्री का स्क्वायर डिवाइड में है टू रूट थ्री एक रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल यह आ गया रूट थ्री बाई टू जो कि साइन सिक्सटी की, की वैल्यू होती है तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें साइन सिक्ष्टी, साइन सिक्ष्टी या कोस थर्टी तो हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए हमें दे रखा है इफ पी बराबर वन इज ए कॉमन रूट है इक्वेशन का देन द दे वैल्यू ऑफ एम एन बताने देखिए हमें दे रखा है एम पी का स्क्वायर प्लस में एम एक्स प्लस में थ्री बराबर जीरो अब अगली इक्वेशन देखिये हमें पी प्लस में पी प्लस, प्लस में एन इक्वल टू जीरो देन हमें निकालना है एम एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अब देखिए हमें क्या रखा है कि पी बराबर वन पी की जगह में वन पुट करना है तो एम मल्टीप्लाई वन का स्क्वेयर प्लस में एम एक्स प्लस में थ्री बराबर जीरो तो ये बना एम प्लस में एम एक्स प्लस में थ्री इक्वल टू जीरो तो ये इक्वेशन फर्स्ट होगी यहाँ पे भी पी की वैल्यू पुट कीजिए वन वन का स्क्यर प्लस वन प्लस एन बराबर जीरो यहाँ से एन की वैल्यू आ गई एक और एक दो इधर जाके माइनस के दो ये आ गया अब हमें वैल्यू बतानी है एम एन की एम मल्टीप्लाई एन की वैल्यू हमें बतानी है अब यहाँ से देखिए यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू नहीं गिवन है ना हमें बतानी है एम गुना में एन की वैल्यू तो एम मल्टीप्लाई एन की वैल्यू के लिए यहाँ पे एक्स गिवन है देखो यहाँ पे एक्स गलत दिया हुआ है बेटा यहाँ पे पी आएगा क्या आएगा यहाँ पे पी इसको क्रैक करना यहाँ पे पी होएगा पी की जगह क्या पुट करना था मुझे वन तो एम मल्टीप्लाई वन तो ये बनेगा एम प्लस में एम प्लस में थ्री इक्वल टू जीरो तो ये बनेगा टू एम प्लस में थ्री इक्वल टू जीरो तो यहां से टू एम इक्वल टू माइनस थ्री एम की वैल्यू आएगी माइनस थ्री बाई टू अब हम एम की वैल्यू पुट करेंगे माइनस थ्री बाई टू और n की वैल्यू पुट करेंगे माइनस टू माइनस से माइनस कैंसिल टू से टू तो हमारा आंसर आ जाएगा थ्री ऑप्शन नंबर ए सॉरी आंसर नंबर थ्री बी ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी फाइव हमें एस से बताना है एटी वन और टू थर्टी सेवन का देखिए एटी वन को मैं लिख सकती हूँ थ्री की पावर फोर मैं सीधे डायरेक्ट लिख देती दे तो हूँ थ्री की पावर फोर टू थर्टी सेवन देखिए सात और तीन दस और दो बारह थ्री की टेबल पे जाएगा थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन इसमें कितने बचेंगे टू थ्री नाइन जो ट्वेंटी सेवन नोट सात कितने हो गए सोलह सेवेंटी नाइन एक प्राइम नंबर है तो इसका एस सी एफ कितना हो जाएगा दोनों में कॉमन है थ्री तो हम इसमें ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स हमें दे रखा है कोसिकेन थीटा माइनस के कोट थीटा बराबर है वन बाई टू और थीटा जीरो से फाइव बाई टू के बीच में है तो हमें वैल्यू बतानी है कोसिकन थीटा प्लस में कोट थीटा की देखिए इसको मैं देखो मुझे वैल्यू बतानी है कोसिकन थीटा प्लस में कोट थीटा की वैल्यू देखिए इसको मैं दो तरीके से कर सकती हूँ जैसे मैं इसका रेसलाइजेशन कर लूँ मान लो हमें इधर का, का कोसिकैन थीटा माइनस कोर्थ थीटा इक्वल टू वन बाई टू मैं लिखूंगी ओन रेसलाइजेशन रेसलाइजेशन करेंगे तो हम ऊपर का रेसलाइजेशन भी कर सकते हैं कोसिकैन थीटा माइनस कोर्ट थीटा मल्टीप्लाई कोसिकेन थीटा प्लस में कोट थीटा डिवाइड में कोसिकैन थीटा प्लस में कोट थीटा इक्वल टू है वन बाई टू यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी इसको लिखूंगी मैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइड में कोसिकैन थीटा प्लस में कोट थीटा इक्वल टू वन बाई टू मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या होती है वन वन डिवाइड में कोसिकैन थीटा प्लस में कोट थीटा इक्वल टू वन बाई टू आर पर गुना कीजिए तो टू इक्वल टू क्या हो गया कोसिकैन थीटा प्लस में कोट थीटा तो हम इसे ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए हमें दे रखा है एक क्वाड्रेटिक पॉल्यू में है जिसके जीरो जी दे रखा है मतलब अल्फा दे रखा है माइनस दो बीटा दे रखा है थ्री हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्यर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा गुना बीटा इक्वल टू जीरो अब देखिए एक्स स्क्र अल्फा की वैल्यू है माइनस दो बीटा की है थ्री इंटू एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई थ्री इक्वल टू जीरो ये बना है एक्स माइनस तीन में से दो गया एक तो ये आ गया एक्स और थ्री टू जा सिक्स तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में देखा है रूट टू एक्स माइनस का रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो रूट फाइव एक्स प्लस में रूट टू वाई इक्वल टू जीरो हमें एक्स वाई की वैल्यू बतानी है बेटा इन क्वेश्चन में हमेशा वैल्यू जीरो जीरो आती है कितनी आती है जीरो जीरो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन ए स्कूल देर आर टू सेक्शन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास टेन देखिए हमारे पास दो सेक्शन है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी देर आर थर्टी टू स्टूडेंट है सेक्शन ए में थर्टी टू और सेक्शन बी में है थर्टी सिक्स ठीक है द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमोंग द स्टूडेंट्स तो मिनिमम के लिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे देखिए एलसीएम का मैं छोटा तरीका लगा देती हूँ क्योंकि वन मार्क्स के क्वेश्चन है तो ये छोटा शॉर्टकट ट्रिक लगा लेती हूँ मुझे बताइए चार से दो से जाएगा पहले दो से सोलह पे दो से जाएगा या चलो बड़ा ही कर देते हैं हम थर्टी टू थर्टी टू से दो से जाएगा सोलह पे दो से जाएगा ये दो की पावर पाँच होती है थर्टी टू क्या होती है दो की पावर पाँच थर्टी सिक्स के फैक्ट्र कीजिए दो से अठारह पे दो से गया नौ पे तीन से तीन पे मतलब ये हो गया दो की पावर दो गुना में तीन की पावर दो और एलसीएम में क्या करते हैं हम बड़ी पावर को लिखते हैं दो की पावर पाँच और दो की पावर दो में बड़ा है दो की पावर पाँच यहाँ पे एक तरीके से तीन की पावर जीरो है तो बड़ा कौन है तीन की पावर दो दो की पावर पाँच होती है बत्तीस तीन की पावर दो होती है नाइन ये हो गया नौ नौ दुनिया अठारह नौ से सत्ताईस और अट्ठाईस इसका आंसर आ जाएगा टू एट्टी एट ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन में हमें गिवन है कार्ड से रखे हैं टू टू नाइन्टी कितने हैं टू टू नाइन्टी मिक्स कर दिए गए एक कार्ड को आपको निकालना है प्रोरिटी बतानी है कि दो डिजिट का नंबर आए देखिए हमें पता है दो डिजिट का नंबर दस से शुरू हुआ दस से लेकर अप टू नाइन्टी होंगे तो पहले वन डिजिट के नंबर देखिए कितने आएंगे वन डिजिट के नंबर आएंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ कितने नंबर है ये तीन तीन छ और दो आठ नंबर है कितने हैं बेटा आठ नंबर तो और दो से नब्बे में हमारे देखिए एक से नब्बे होते तो नब्बे नंबर होते हैं और दो से नब्बे में हमारे एट्टी नाइन नंबर है तो हमें टू डिजिट नंबर बताने हैं कितने बताने टू डिजिट नंबर तो मैं एट्टी नाइन में से आठ घटा देती हूँ ये आएंगे एट्टी वन नंबर तो इसकी प्रोल्टी आ जाएगी एट्टी वन डिवाइड में टोटल है एट्टी नाइन अब देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन में हमें गिवन है डिंग फ्रीक्वेंसी एक्स बार हमारा मीन है इज इक्वल टू देखिए समीशन ऑफ हमें बताने एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार हमारा किसके इक्वल होता है देखिए हम जानते हैं इसको करीजिए समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस में समीशन ऑफ एक्स बार ठीक है दोनों को मैंने ब्रेक कर दिया इफ एक्स आई या द मिड पॉइंट इफ़ एफ आई आस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एक्स बार मीन है देखिए एक मिनट पहले मैं, मैं करके दिखाती हूँ एक्स बार का क्या फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड में समीशन ऑफ एफ आई ये हमारा फॉर्मूला होता है अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ समीशन ऑफ एफ आई एक्स बार बराबर आ जाएगा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई ठीक है मैंने इसके समीशन को ब्रेक कर दिया ये क्या आएगा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस समीशन ऑफ एक्स बार हुआ तो इसकी वैल्यू हमारे पास इसकी वैल्यू है समीशन ऑफ एफ आई एक्स बार माइनस समीशन ऑफ एक्स बार तो इस सेम में से सेम जाएगा इसका आंसर हमारा आएगा जीरो कितना आएगा जीरो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में दे रखा है ए भी एक कोड है पी क्यू एक टेंजेंट है और हमें एंगल ए ओ बी दे रखा है देखिए ए ओ बी हमें एक सौ दस दे रखा है और एंगल ए बी क्यू बताना है ए बी क्यू देखिए बेटा मैं इसी बुक पे कर देती हूँ देखिए हमारे पास ये एक टेंजेंट है टेंजेंट हमेशा नब्बे डिग्री एंगल बनाता है विद द रेडियस तो हमारे पास ये वाला एंगल नब्बे डिग्री होगा जिसका इसका एंगल वन नाम दे देती हूँ इसका एंगल टू अब देखिए इन ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर ओ uh, ए बराबर आएगा ओ बी के ओ ए किसके इक्वल होगा ओ बी के वाई uh, इक्वल रेडियाई क्या है ये इक्वल रेडियाई ठीक है तो ओ ए इसको एंगल थ्री नाम दे देती हूँ ओ ए के सामने एंगल वन ओ बी के सामने एंगल थ्री और एंगल वन और एंगल टू का जोड़ कितना है नब्बे है।, है अब ये इसको एक्स नाम दे देती हूँ हम जानते हैं एंगल थ्री एक सौ दस प्लस में एंगल वन का जोड़ होएगा वन एटी तो थ्री एक्स है एक सौ दस ये वन भी एक्स है इक्वल टू वन एटी तो यहाँ से टू एक्स इक्वल टू वन एटी में से वन हंड्रेड टेन गए तो ये आ गया सत्तर तो एक्स की वैल्यू आ गई थर्टी फाइव आ गई अब जो एक्स है उसको मैंने एंगल वन और थ्री मान रखा है इसका मतलब ये थर्टी फाइव आ गया और एंगल वन और एंगल टू का जोड़ कितना है नब्बे डिग्री वाई टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस होता है अब एंगल वन की वैल्यू हमारे पास थर्टी फाइव है प्लस एंगल टू निकालना है हमें तो टू की वैल्यू क्या आएगी नाइनटी में से थर्टी फाइव बताइए दस में से पाँच गए पाँच और आठ में से तीन गए पाँच तो हमारा पचपन आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन में देखा है रेडियस ऑफ द सर्कल आठ रखे हमें थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताना है देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है सर्कल का चौथा हिस्सा सर्कल का चौथा हिस्सा तो ए, तो हमने देखा तो सात से कटा पांच पे पांच से कटा दो पे दो से कटा ग्यारह पे ये बचा ग्यारह गुना में थर्टी फाइव बाई टेन मल्टीप्लाई वन बाई टू अब देखिए फाइव सेवन जावेंटी जिसको हम पॉइंटों में भी कर सकते हैं इसलिए पॉइंटों में कर रखा है तो मैं इसको पॉइंट में करती हूँ एट नाइन देखिए नाइन वाला जो आंसर है पॉइंटों में तो नाइन पॉइंट सिक्स टू फाइव हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द लिस्ट नंबर डेट द नंबर वन टू टेन इज देखिए हम देखिए जैसे ये पच्चीस सौ है ठीक है क्या पच्चीस सौ दो से भागो रहा है यस तीन से भागो रहा है नहीं क्योंकि इसका सम कितना आया सात तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे अगला है टू फोर टू जीरो देखिये चारों दो छः और दो आठ ये दो तीन से भाग नहीं हो रहा इसको भी डिस्कार्ड कर दीजिए चारों दो छः तीन से हो रहा है दो से हो रहा है चार से हो रहा है पाँच से हो रहा है क्या छह से भाग हो रहा है छह चौक चौबीस हो रहा है क्या सात से हो रहा है देखिए सात से भाग नहीं होएगा आई थिंक सात इक्कीस चारवे से इक्कीस तीन सात चौक अट्ठाईस नहीं होएगा तो इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे ये सेवन से भी भाग हो जाएगा थ्री से टू से अब करके देखिएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में हमें देखा है मीन मीन दे रखा है हमें थर्टी वन पॉइंट जीरो फोर मीडियन हमें दे रखा है थर्टी पॉइंट सिक्स टू फाइव देन मोड बताना है मोड का फॉर्मूला होता है थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन तो थ्री मल्टीप्लाई मीडियन है थर्टी पॉइंट टू फाइव माइनस प्राइस ऑफ मीन है थर्टी वन पॉइंट जीरो फोर इसको कैलकुलेट आप अपने आप कीजिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अ पॉइंट पी इज थर्टीन सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल देखिए ये पॉइंट पी है जो सर्कल का सेंटर ओ है उससे कितनी दूरी पर है थर्टीन सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम द पी अब ये एक टें ड्रॉ किया गया मान लो ये पी ए ड्रो किया गया इसकी लेंथ दे रखी है बारह और मुझे रेडियस बतानी है ये क्वेश्चन वही है नाइनटी के सामने का आइपोटान्यूस ओ पी का स्क्वायर आएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस में पी ए का स्क्वायर ओ पी हमारे पास थर्टीन है ओई मुझे निकालनी है और पी ए हमारे पास बारह थर्टीन का स्क्वायर वन सिक्स नाइन इसका एक सौ चौवालीस यह आ गया पच्चीस पच्चीस होता है पाँच का स्क्वायर हमारी रेडियस आ जाएगी फाइव सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में दे रखा हमें साइंस स्क्यर थीटा डिवाइड में वन प्लस किसके इक्वल है, है सिकेम थीटा, थीटा अब देखिए ये साइंस थीटा है मैं को थीटा को क्या लिख सकती हूँ वन बाय साइंस के थीटा तो मैं इसको ऊपर लेके आऊंगी तो साइंस थीटा ऊपर चला जाएगा ऐसे ही ये भी थीटा इसको ऊपर लेके आऊंगी तो यहाँ पे थीटा ऊपर चला जाएगा ये बना थीटा माइनस कोर्स की थीटा अब हमें इसका ऑप्शन देखे ये दे रखा है हम क्या करेंगे इसमें ए साइंस थीटा का स्क्वेयर कर दिया कोर्स स्क् थीटा का स्क्वेयर कर दिया अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की ए प्लस बी और ए माइनस बी तो मैं क्या करूंगी साइंस स्क्वेयर थीटा में कोर्स थीटा एड भी कर दूंगी और साइंस स्क्यर थीटा में कोर्स क्यर थीटा सब भी कर दूंगी मुझे पता है इसकी वैल्यू वन होती है तो हमारा आंसर आ जाएगा साइंस स्क्यर थीटा माइनस कोस क्वेयथा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन अब मुझे डिस्टेंस बतानी है इस पॉइंट की माइनस बारह और पाँच की फ्रॉम द ओरिजन देखिए ओरिजन का मतलब होता है जीरो जीरो पॉइंट है हमारे पास बा, माइनस बारह और पाँच ये मान लो ए है और ये बी है तो ए बी का फॉर्मूला क्या होता है जीरो माइनस माइनस बारह का स्क्वायर जीरो माइनस पाँच का स्क्वायर और उसका रूट बारह का स्क्वायर होता है एक सौ चालीस पाँच का स्क्वायर है पच्चीस ये आ गया वन सिक्स नाइन तो इसकी आ गया थर्टीन आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ क्यू देखिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन दे रखा है द वैल्यू ऑफ क्यू इक्वल टू ए प्लस माइनस टू और एक्स हमें दे रखा दो वाई दे रखा हमें वन इधर सोल्यूशन ऑफ द लाइन देखिए टू एक्स प्लस में वाई माइनस क्यू स्क्र माइनस थ्री इक्वल टू जीरो देखिए क्या ये इसका सोल्यूशन है पुट करके देखते हैं दो गुना में एक्स की जगह दो वाई की जगह वन माइनस देखो क्यू को प्लस दो लिखो या माइनस दो लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पॉजिटिव वो इवन डिग्री है माइनस थ्री इक्वल टू जीरो दो दो चार प्लस वन दो का स्क्वायर चार माइनस थ्री अब ये देखिए चार से चार कट गया वन में से तीन गया माइनस दो जो कि इक्वल नहीं है जीरो के तो नो ये सोल्यूशन नहीं है इससे फ्रॉम द पॉइंट टू एंड थ्री इसे, Next, uh, no 3 3. इसे क्या रखा है एक्स एक्सिस देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एक्स पे पॉइंट को मैं मान लेती हूँ एक्स ऑन जीरो ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या है हमारे पास टू एंड थ्री अब मुझे बताना है कि क्या ए बी ए बी का फॉर्मूला क्या बनेगा एक्स माइनस दो का स्क्वायर प्लस में जीरो माइनस थ्री का स्क्वायर अब देखिए इसे कहकर कोई भी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता जो एट ए डिस्टेंस सी जो सी की वैल्यू है तीन से छोटी है तो ये देखिए वैसे अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ जैसे टू एंड थ्री टू और थ्री मान लीजिए ये टू है ये थ्री है ये पॉइंट आ गया टू एंड थ्री एक्स एक्सीज पे कोई भी पॉइंट हो जिसकी डिस्टेंस तीन से कम हो अगर मैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाती हूँ ये क्या बनेगा एक्स स्क्र दो का स्क्र चार माइनस का फोर एक्स तीन का स्क्यर नो ये बना एक्स स्क् माइनस का चार एक्स प्लस में नो और चार कितने होते हैं तेरह ये बना तो अब देखिए अब इसकी जो डिस्टेंस है ए बी इसने क्या रखा है लेस देन थ्री लेस देन थ्री मान लो मैंने डिस्टेंस दो मान ली क्या मान ली दो और हमें पता है ये रूट में होता है है ना तो दो का स्क्यर होएगा यहाँ पे ये बनेगा एक्स स्क्र माइनस चार एक्स प्लस तेरह दो का स्क्यर कितना होता है चार तो एक्स स्क्र माइनस चार एक्स तेरह में से इधर जाएंगे चार तो आएगा नो तो नो देखिए अब इसमें हमारा कोई फैक्टर नहीं बन रहा फैक्टर इसमें क्या आएंगे रूट के अंदर आ, तो ये ऐसा पॉइंट तो होना चाहिए और डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है ये ट्रू है एक मिनट ऑप्शन नंबर ट्वेंटी को मैं चेक कर लेती हूँ बेटा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ट्वेंटी इसका ए रीजन है ये इसका करेक्ट रीजन है क्योंकि ऐसे पॉइंट एडजस्ट करेंगे इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए करके आएंगे देखिए कल हमारा एक क्वेश्चन रह रहा था उसको हम कंप्लीट करते हैं देखिए कल मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था ए बी एंड सी डी दो कॉमन टेंजेंट से टू ए सर्कल जो टच करते एक दूसरे को पॉइंट सी देखिए ए बी और सी डी को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे ठीक है और इसने क्या रखा है सी डी कितना है फोर हम जानते हैं देखो टेंजेंट ये एक्सट्राइड पॉइंट है यहां से डी ए और सी डी की वैल्यू बराबर होगी अगर ये चार है तो ये भी चार हो जाएगा ऐसे ये अगर चार है तो ये भी चार हो जाएगा पूरा ए बी कितना होगा चार और चार आठ थैंक यू कीप वॉचिंग थैंक यू वेरी मच